हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम पास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हाय सुभाष मिता, हाय संगू, हाय राकेश, हेलो यस सर, हेलो दीपक भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। आ जाइए भाई, सब लोग फटाफट आ जाइए जल्दी जल्दी बिना लेट किए हुए। गाइस कैसे हैं आप सभी? चाय वाय पी के नहा धो के सब फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी। हेलो विवेक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम भाई। हाय अंशिका, हाय प्रशंसा आनंद, हेलो प्रशंसा, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हाय ओम, हेलो उषा, विवेक अग्रवाल आ जाओ। सो गाइस, आज रात का जो सेशन है वो है करंट ऑफ द वीक। करंट ऑफ द वीक है, आपको याद रखना, आज रात का जो सेशन है करंट अफेयर ऑफ द वीक है। हाय सुप्रिया, गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गाइस आज रात में 9 बजे का सेशन है करंट ऑफ द वीक। सो गाइस आज मिस ना करना, सारे करंट अपडेट हो जाएंगे आपके। बेटू अभी के करंट ज़्यादा क्रूशियल हैं करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा पूजा ठाकुर मैम ने मेरे को एक पेपर शेयर किया है, वो हिमाचल प्रदेश का है। गाइस हिमाचल प्रदेश में इतना ईजी पेपर बेटू, अभी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हुए उसमें भी करंट अफेयर आया था 25 मार्क्स के। गाइस अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। हाय स्वाति, हेलो ओम, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गाइस कहने का यही एजेंडा है भैया, बिटू कहने का यही मोटो है मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फोकस करो। कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, कोई सा भी। सो गाइस आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पर, ठीक है? सो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। गाइस एक चीज़ और, हम डेली बोलते हैं सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, और रात के 9 बजे बैंकिंग स्टैटिक और करंट के सेशन सर मिलते हैं हम आपसे। सो गाइस लाइव आना ना भूलना डेली इन दो टाइमिंग पे। अब हम रिवीजन के साथ चलते हैं, हमारा प्रीवियस डे का क्विज है जो रिवीजन पे आते हैं, देन उसके बाद हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो फटाफट आ जाते हैं। द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ प्रपोज्ड इंडियन एयरपोर्ट दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द स्विट्जरलैंड्स ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। द एयरपोर्ट विल बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया? हेलो तथागत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तथागत प्रधान भाई, बहुत दिन बाद आप दर्शन दे रहे हो, कैसे हो मेरे भाई, क्या हाल चाल? नोएडा, वेरी गुड। अंशिका, ओम, प्रशंसा, दीपक सर, विवेक, वेरी गुड, सुपर, उषा, राकेश, गुड। ओह अच्छी बात है पूजा, ओके गाइस वेल डन, इट्स करेक्ट आंसर इज नोएडा। बेटू आपको याद करना, जब आप नोएडा से यानी दिल्ली से आगरा की ओर जाओगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, सो गाइस आपने देखा होगा ऐसे सीधा रास्ता चला जाता है यमुना एक्सप्रेसवे का, और एक रास्ता ऐसे घूम जाता है, वहाँ लिखा होता है जेवर के लिए, यहाँ से कट जाता है जेवर। सो गाइस याद करें पूरा एरिया जेवर, पूरा का पूरा अधिग्रहण एक्विजिशन कर लिया गया जमीन, यानी जो लैंड थे। सो गाइस वो पूरा जेवर एयरपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, हाय निमेश, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2020, विथ दिस ही हैज वॉन द एनुअल रिकॉग्निशन फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर। गाइस लगातार जीत रहे हैं, आपको पता होगा कॉन्सिक्यूटली, यानी कि कौन? प्रशंसा का जवाब आ रहा ऑप्शन बी 13। मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट, विद दिस ही वॉन द एनुअल रिकॉग्निशन फॉर द कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। प्रशंसा, दीपक सर, विवेक, वेल डन गाइस, सुपर, क्या बात है। अंशिका, राकेश, यस एग्जैक्टली गाइस, इट्स 13 टाइम, वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे, सुपर। गाइस सेशन को शेयर करो यार, कहाँ चले गए सबके सब, 13 टाइम एग्जैक्टली, 13वीं बार लगातार। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020? गाइस ओल्गा टोकारजुक, पीटर हैंडके, लुइस ग्लक, काजुओ इसिगुरो। गाइस ऑलमोस्ट ये नाम पुराने हैं, ओल्गा टोकारजुक, पीटर हैंडके, आपको पता होगा। प्रशंसा का जवाब आया सबसे पहले लुइस क्लर्क, वेरी गुड प्रशंसा, सुपर।
क्या बात है गाइस, हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020? सुपर्ब, वेरी वेरी गुड, लुइस ग्लुक या ग्लुक जो भी पढ़ लो, वेल डन गाइस, सुपर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वॉच फ्लाइट टेस्टेड रिसेंटली बाई DRDO। रुद्रम, ध्रुवा, अक्ष, सूर्य। गाइस सेशन का जवाब देनी, अरे यार कितने कम लोग हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं सब। जवाब दो, तब तक हम शेयर कर देते हैं। चलो वेरी गुड, सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज रुद्रम। करेक्ट आंसर इज रुद्रम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है गाइस? व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? 7th October, 10th, 8th, 9th। ओम, राकेश, प्रशंसा, ऑप्शन डी, यानी कि 9th October। ओके गाइस, जवाब तो जल्दी जल्दी, व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? एग्जैक्टली, वेरी गुड निमेश, यस, राकेश, उषा सैनी, अंशिका, दीपक भाई, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 9th October। 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इट्स न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिरकॉन रिसेंटली? 9 to 15 अक्टूबर। एग्जैक्टली दीपक सर, गाइस जवाब दो, विच कंट्री कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इट्स न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिरकॉन रिसेंटली? रशिया, फ्रांस, ईरान, जर्मनी। सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को एंड प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट पॉइंट, Name the CMD of the Jammu and Kashmir Bank whose term has been extended for another 6 months by RBI. Name the CMD of the Jammu and Kashmir Bank whose term has been extended for another 6 months by RBI. Guys, jawab do. RK Chibbar, Prashansa, very good. Kya baat hai yaar, superb. Rakesh, Deepak sir, विवेक, ओम, अंशिका, वेरी गुड, सुपर, उषा, पूजा सिंह, एग्जैक्टली गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज आर के छिब्बर का टेन्योर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, वेल डन गाइस, सुपर। प्रीति शर्मा, एग्जैक्टली प्रीति, इट्स करेक्ट आंसर इज डी, वेरी गुड बच्चे, सुपर। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज लॉन्च द इनिशिएटिव MSME प्रेरणा, an online business mentoring program for MSME? Guys, which bank has launched the initiative MSME Prerna, an online business mentoring program for MSME? Guys, hi Priti, hello, kaise ho babu aap? Indian Bank, Canara Bank of Maharashtra, Punjab National Bank. Guys, jawab do. MSME प्रेरणा, इट्स करेक्ट आंसर इज इंडियन बैंक, और आपको बता दें तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया इंडियन बैंक। हमने बताया भी था, ऐसे याद रखना कि तमिलनाडु इंडियन बैंक चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। वेरी गुड मॉर्निंग अलीसा, अलीसा बहुत दिन बाद दिख रहे हो, कहां थे बच्चे आप इतने दिन तक?
नेक्स्ट पॉइंट, जे वेंकट रामू हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक. गाइज, एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, कौन? जे वेंकट रामू. जवाब दो. अच्छे बाबू, अच्छे प्रीति, आपके सामने फटाफट जवाब दो. जे वेंकट रामू हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? विवेक, आईबीपीबी, राकेश, निमेश, उषा, प्रशंसा, वेरी गुड बच्चे, दीपक भाई, बहुत अच्छे, सुपर, ओम, वेल डन गाइस, सुपर, वेरी गुड, सुभाष मित्ता, यस, गुड, सुपर प्रीति. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक. बेटू, हमने बताया था 100% केंद्र सरकार के पैसे से बना हुआ, निक सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपिटल से बना हुआ, 100% केंद्र सरकार के कैपिटल से बना हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेमेंट बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एकमात्र पेमेंट बैंक है, तो कौन है गाइस? तो याद रखना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. प्रणाम संगम, प्रणाम, कैसे हो भाई आप, आ जाओ. कैसा रहा आपका पीसीएस का एग्जाम, यूपी पीसीएस? गाइस, अब आते हैं नेशनल न्यूज के ऊपर, मूव करते हैं हम लोग अपने बच्चे राष्ट्रीय समाचार. सो गाइस, फटाफट आ जाओ, देखते हैं इसके ऊपर. अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर, चलते हैं. क्या गोवा बिकम्स फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. गाइस, ग्रामीण घर में, हर घर में, यानी कि नल वाला, पटोटी वाला पानी, यानी नल का पानी, ठीक है, पहुंचाने वाला पहला स्टेट बन गया, कौन? गोवा. गाइस, गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा की कैपिटल पणजी, एंड सीएम इज प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, याद रखना. एंड गाइस, गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी. गाइस, गोवा से रिलेटेड जितने भी न्यूज हो फटाफट जवाब देते चलो. गोवा में एक एयरपोर्ट है, डाबोलिम एयरपोर्ट, कौन सा? डाबोलिम, डाबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है? गोवा में. गाइस, अभी यहां पे चिली को जीआई टैग मिला है मेरे दोस्त, चिली यानी कि मिर्ची को जीआई टैग दिया गया, जैसे खुरसानी मिर्ची था, दल्ले खुरसानी मिर्ची को सिक्किम के लिए जीआई टैग मिला. सो गाइस, याद रखना, चिली, एक और चिली को जीआई टैग मिला है, कहां के? गोवा के. गाइस, याद रखना, कोई नहीं संगम, अच्छी बात है. करंट देखो कितने आए थे, 25 से प्लस करंट आए थे. या वेरी गुड अंशिका, फेनी को जीआई टैग मिला बेटू. फेनी इज अ ड्रिंक है, एक वहां का, केरला का, गोवा का, जिसको जीआई टैग दिया गया, फेनी ड्रिंक को. गाइस, याद करना, फेनी काजू से बना हुआ है, एक अल्कोहल के तौर पर, यानी कि शराब के तौर पर आता है. हर्मल चिली, वेरी गुड दीपक भाई, हर्मल चिली खाजे, खाजे को जीआई टैग, मोइरा बनाना को भी जीआई टैग मिला है, वहां के एक मोइरा केला है, एक स्पीसीज है बनाना की, उसको भी मिला है क्या? जीआई टैग. ओहो, अच्छा संगम, करंट आपका पूरा आया सर, ओके, अच्छी बात तो है. हमने देखा संगम, जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है बेटू. सलीम अली बर्ड सेंचुरी, या एग्जैक्टली सलीम अली बर्ड सेंचुरी संगम वहीं पर है, कहां पर? गोवा में. सो गाइस, आपको ये सारी कहानी याद रखनी गोवा से. गाइस, गोवा, ठीक है, IFFI कहां होने वाला है? गोवा में. हर्मल चिली को जीआई टैग, फैनी को जीआई टैग, मोयरा बनाना को जीआई टैग. नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बारे में देख लेते हैं गाइस. गोवा हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री. पहले इस कंट्री में गाइस, इंडिया में हर घर जल वाला स्टेट बना, पहला स्टेट गोवा. चलो, बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, प्रत्येक ग्रामीण घरों में. या सलीम अली नेशनल पार्क अंशिका, जम्मू एंड कश्मीर जाएगा बेटा, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी जाएगा आपका गोवा में. एग्जैक्टली अंशिका, द स्टेट हैज प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन ऑफ 230,000 रूरल हाउस होल्ड, 230,000 ग्रामीण घरों में गाइस ये मुहैया कराया गया. नॉर्थ गोवा विथ 1,65,000 रूरल हाउस होल्ड एंड साउथ गोवा विथ 98,000 रूरल हाउस होल्ड इन 191 ग्राम पंचायत. बेटू, ये अलग अलग है, याद रखना. 65,000 गोवा, 1,65,000 ग्रामीण क्षेत्र में, एंड साउथ गोवा में, सॉरी साउथ गोवा, ये नॉर्थ गोवा की बात है, साउथ गोवा में 98,000 एंड बेटू 191 ग्राम पंचायत आर फुल्ली सैचुरेटेड विद एस्योर्ड पाइप्ड वाटर सप्लाई थ्रू टैप कनेक्शंस. गाइस, यानी कि पाइप वाले पानी मुहैया करा दिए गए हैं बेटू 191 ग्राम पंचायत में.
हेलो अमन मिश्रा सर, वेरी गुड मॉर्निंग मिश्रा सर, कैसे हो आप? प्रीति मैम, उस समय इतना नहीं था बच्चे, प्रीति शर्मा मैम, ऑफलाइन क्लासेस में इतना नहीं हो पाता था बच्चे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती थी। यहाँ पे सारा कुछ दीपक सर देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं क्विज वाला। और ये क्विज, ये जो ये वाला क्विज है, ये तो बेटू आपका प्रीवियस क्विज भी है और आगे के भी क्विज डिस्कस करेंगे हम। अभी आपके प्रीवियस डेज के क्विज है, अभी आज जो पढ़ा रहे हैं उसका भी क्विज डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है? सो गाइस, याद रखना, गोवा पहला स्टेट बना, फर्स्ट पहला स्टेट है हर घर जल वाला। गाइस 2023 तक टारगेट है कि बिट्टू याद रखना, ये इसका हर घर जल यानी पाइप वाटर पहुंचाने का। नेक्स्ट पॉइंट, असम सीएम लॉन्चेस स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। गाइस स्वनिर्भर आरी, स्व मतलब स्वयं, स्वनिर्भर नारी, नारी मतलब महिला। हेलो सिंगल, गुड मॉर्निंग, एग्जैक्टली आरओ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मेरे दोस्त, आपको आरओ ये चीजें रिकॉर्डेड ही हो जाता है, लाइव अभी चल रहा है, लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड ही आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आरओ सिंगल सर, ठीक है? असम सीएम लॉन्चेस स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर आसाम। गाइस स्व मतलब स्वयं, निर्भर मतलब डिपेंडेंट, ऐसे आपका स्वयं अपने ऊपर डिपेंडेंट कौन, महिलाएं, आत्मनिर्भर आसाम, और आसाम को आत्मनिर्भर, ये एक स्कीम था बेटू, ये लॉन्च किया किसने, आसाम के सीएम। अब बात है बेटू आसाम की, फटाफट इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन। अच्छा, ओ डॉली, हाय डॉली, कैसे हो बच्चे आप, ठीक है? सो गाइस आपको देख लो, आसाम की कैपिटल क्या है, आसाम की कैपिटल है गाइस याद रखना दिसपुर। बेटू फटाफट इससे रिलेटेड सारे न्यूज अपडेट करते चलो, आसाम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है गाइस? यहाँ के सीएम इज सर्बानंद सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल, एंड हु इज द गवर्नर ऑफ असम गाइस याद रखना, गवर्नर है जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। सो गाइस आपको याद रखना है ये तीन चीजें तो मस्ट है बेटू। यहाँ का फोक डांस बिहू, बिहू फेस्टिवल, बिहू गाइस, एक और फेस्टिवल है अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुबाची फेस्टिवल। बेटू हमने नेशनल पार्क के नाम सब डिस्कस किए थे, मानस गर्म पानी की तलाश में, असम के पोबा में या फिर जो भी है देहंग में, किसके पास गया, काजी के पास, औरंग में काजी के पास गया। सो गाइस आपको याद रखना है ये सारे ट्रिक, याद रखने असम के नेशनल पार्क, असम के सारे नेशनल पार्क क्लियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली संगम, क्वेश्चन गलत आया था, हमने भी एक दो सर लोग थे उन्होंने मेरे को बोला कि सर ऐसा था, लेकिन जो ट्रिक हमने बताया था कि जैसे ट्रिक से याद करना था, उन्होंने बोला सर वो ट्रिक याद था मेरे को, हमने ऑप्शन देख के ट्रिक से टिक कर लिया। सो गाइस आपको बता दें स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी नेशनल पार्क वाले क्विज आ रहे हैं। सो बेटू आप सभी क्विज यानी जो भी क्वेश्चन है नेशनल पार्क, और आपको बता दें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, सो गाइज आप इन सबको अपडेट रखना बेटू, कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाओगे वहां आपको ये फेस करना पड़ जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना। हाँ कालेश्वर को कलेवर लिखा था, अच्छा ओके, हमको आइडिया नहीं संगम, अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा, पेपर नहीं देखा बेटू हमने। गुड मॉर्निंग सिमरन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा संगम बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आए थे, ओके संगम आपने बनाया या नहीं ये बताओ पहले। ये बेटू यूपी पीसीएस की बात की जा रही है, संगम जो बात करें गाइस ये यूपी पीसीएस की है, वहां तक इन्होंने छोड़ा नहीं है। वेरी गुड सुभाषमिता, वेल डन बच्चे, सुपर। इसके बारे में देख लेते हैं, असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, यहां सोनोवाल लिखा है, सोनेवाल, लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम स्कीम इन अ बिड टू एम्पावर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन ऑफ द स्टेट इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत और रूरल डेवलपमेंट एट चंद्रपुर इन कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट। गाइस ओके संगम, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन गाइस, सुपर, ठीक है। सो बेटू आपको याद रखना है क्या कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज यानी क्या, ऐसे ऐसे महिलाओं के लिए बेटू जो इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक तौर पे क्या है पिछड़ी हुई है, जिनको कोई एडवांटेज नहीं है इकोनॉमिकली, बेटू उनके लिए स्कीम है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। गाइस द न्यू स्कीम एम टू क्रिएट मोर देन 3.72 लाख सस्टेनेबल इंडिविजुअल एंड 822 कम्युनिटी एसेट्स बेनिफिट अराउंड 4 लाख फैमिलीज इन द फर्स्ट फेज अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, विथ
कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिशन। अब बेटू ये किसमें किसमें इनको मिलेगा लाभ, ये देख लो आप, मेन ये चीजें हैं, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। लाइवलीहुड मिशन, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, फिशरी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, सेरिकल्चर। बेटू देखो सेरिकल्चर होता है रेशम, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, हैंडलूम आपको पता है हथकरघा, टेक्सटाइल वही हथकरघा और टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने में, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, फल एवं फूल, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है, लाइवलीहुड मिशन में तो आजीविका। सो गाइस ये सारी चीजों के लिए मनरेगा के अंडर में स्कीम प्रोवाइड की गई, ताकि नारी सशक्तिकरण यानी कह सकते हो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, अपने उनकी पैरों पर उनको खड़ा किया जा सके। सो गाइस याद करना, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। गाइस ये स्कीम लॉन्च किया किसने, असम गवर्नमेंट ने, गाइस आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। गाइस मुख्यमंत्री सौर, सौर मतलब वही सौर ऊर्जा, सोलर। गाइस सौर स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है किसने, उत्तराखंड के, उत्तराखंड की दो कैपिटल गैरसेन, गैरसेन एंड गाइस याद रखना देहरादून, गैरसेन एंड बेटू देहरादून। गाइस एक चीज और याद रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, टीएस रावत। कौन है गाइस, टीएस रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड गाइस गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ कहां की, उत्तराखंड की। सो गाइस याद रखना, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सोलर एनर्जी फार्मिंग। गाइस एट द वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम इन देहरादून, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम है देहरादून में, वहीं पर गाइस वहीं पर इन्होंने इनिशिएट किया है, लॉन्च किया इसको, सोलर एनर्जी फार्मिंग कैंपेन को या फिर स्कीम को, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। The aim of the scheme is to promote the production of green energy. इस स्कीम का एम था ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना एंड प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार को प्रोवाइड करना था, स्वरोजगार अपॉर्चुनिटीज को टू द यूथ ऑफ द स्टेट एंड रिटर्निंग माइग्रेंट्स। गाइस और याद करना, जो यूथ है राज्य के और जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स है यानी कि जो दिल्ली से गए हैं उत्तराखंड या जो दूसरे जगह से गए हैं उत्तराखंड अपने घर पे, उनके लिए ये स्कीम था। Each beneficiary of this scheme will be allocated solar plant of 25 kilowatt and 10,000 people will get self-employment under this scheme. Guys, 10,000 लोग इसकी स्कीम के तहत स्वरोजगार को करेंगे, स्वरोजगार करेंगे और इसमें सोलर प्लांट लगभग 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएंगे। So guys, याद रखना, exactly उत्तराखंड गवर्नमेंट बिजली को परचेस करेगी, exactly दीपक सर, बहुत अच्छा। Superb. Next point. Andhra Pradesh government launches 650 crore. Guys, Andhra Pradesh government ne launch kiya 650 crore scheme to distribute kits to school students. Guys, school students ko kit, yani ki bag, pen, paper, notebook, yani ki book और नोटबुक यानी कि लिखने के लिए। सो गाइस प्रोवाइड करेगा ये 650 करोड़ का किट कौन, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश की कैपिटल बेटू तीन, कौन, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुरनूल। गाइस यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। गाइस याद रखना विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड गाइस गवर्नर इज सॉरी सीएम, ये गवर्नर है, सीएम कौन है, ये जो इनका ना पिक्चर लगा हुआ है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जगन अन्या विद्या कनुका प्रोवाइडिंग फ्री किट्स और टू स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू टेंथ अहेड ऑफ द एकेडमिक विच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन इन नवंबर। गाइस वहां पे 2 नवंबर को स्कूल ओपन हो रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक के बेटू बच्चों को ये गवर्नमेंट क्या करेगी, किट प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को। सो गाइस आपको याद रखना है, जिसमें किट में क्या होगा, 3 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म क्लॉथ, 1 पेयर ऑफ शूज जूते का एक जोड़ी,
टू पेयर्स ऑफ सॉक्स, दो जोड़ी मुझे, एक बेल्ट, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक एंड ए स्कूल बैग। सो गाइस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पूजा कूटे जाओगे, बात नहीं करनी है पूजा अंशिका आप दोनों को, बाद में बात कर लेना, ठीक है। अब आते हैं गाइस बिजनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। WTO revises up forecast for goods trade to 9.2% decline in 2020. अंशिका सॉरी का नौबत ना लाओ, पीटे जाओगे बेटू, याद करना ढंग से, यहां पे कर लो अभी बात बात। कमेंट लोग जो देखते रहते हैं उधर से उनका ध्यान जाता है कमेंट्स के ऊपर। गाइस WTO revises up forecast for good trade and 9.2% decline in 2020. Guys, याद रखना बेटू, WTO World Trade Organization, World Trade Organization जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा। कहां पर है, जेनेवा। बेटू आपको पता है था रॉबर्टो अजीवेदो थे, अब ये हट गए। आपको पता है बेटू रॉबर्टो अजीवेदो थे, इसके हेड अब वो हट गए, अब वही पुराने आ गए। इसके हेड का नाम बताओ, WTA के हेड का नाम क्या है, ठीक है। 1995 में आया था। वेरी गुड राकेश, वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे। गाइस ये बताओ इसके हेड कौन है, अभी में प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, रॉबर्टो अजीवेदो स्टेप डाउन, ठीक है, वो हट गए, अभी पता होगा। सो बेटू यहां पे ये कहा जा रहा है कि WTO ने रिवाइज किया एक फॉरकास्ट, एक अनुमान लगाया है, क्या या दीपक सर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है मैड्रिड स्पेन, ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड है। गाइस और गाइस याद रखना एक चीज, क्या कि इसने अनुमान लगाया है, अनुमान लगाया है कि 9.2% का व्यापार गिरावट हुआ है किसमें, 2020 में, ड्यू टू किसके, तो गाइस COVID-19 पैंडेमिक। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड इट्स फोकस फॉर ट्रेड गुड्स दिस ईयर स्टिल कंपेरेबल टू द डिक्लाइन ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बट बेटर देन इनिशियली प्रेडिक्टेड ड्यू टू अ रेड बाउंड इन जून एंड जुलाई। सो गाइस याद रखना गिरावट हुई है बेटू, ये याद रखना आप सभी, 9.2% एंड देन इंक्रीज बाय 7.2% 2021 और 21 में 7.2% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि बढ़ेगा ये, लेकिन 2020 में 9.2% की गिरावट हुई है, अभी ये देखने को मिल रहा है वैश्विक तरीके तौर पर, वैसे मतलब ग्लोबली। हाय पुष्पम, हेलो, कैसे हो बच्चे आप, कैसा रहा आपका एग्जाम पुष्पम। गाइस आपको याद रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, तमिलनाडु टू सेट अप एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब इन पार्टनरशिप विथ WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड एंड क्लॉस स्वैब इज द हेड ऑफ किसके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आरओ यानी डॉली मैम ये क्लास 45 मिनट की मिनिमम होती है बच्चे। हाय बल्लू, कैसे हो, आ जाओ आपका स्वागत है। या कोलोगनी स्विट्जरलैंड होम अंशिका, वेरी गुड बच्चे, सुपर। क्लॉस स्वैब गाइस याद में इज द हेड ऑफ क्लॉस स्वैब किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गाइस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अवार्ड देता है, क्रिस्टल अवार्ड। गाइस कौन सा अवार्ड देता है, क्रिस्टल अवार्ड बेटू, आपको याद रखना ये अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गाइस याद रखना। अब बात है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई बेटू, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम इज एड्डापड्डी पलानी स्वामी, गवर्नर इज बनवारी लाल पुरोहित। गाइस याद रखना ये तीन चीज। अब यहां से नेशनल पार्क का नाम बता दो, यहाँ के फोक डांस और यहाँ पे सारा कुछ क्लियर करते चलो। गाइस गाइडेंस, नोडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज पार्टनर्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, AM Hub। गाइस AM Hub इन तमिलनाडु। गाइस इंडिया पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ओपन होगा कहां पे, तमिलनाडु में। द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब और AM Hub, याद करें AM Hub इज वन ऑफ द 19 प्लेटफॉर्म डिजाइन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम, गैस ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। अन्नामलाई मुदुमलाई गुंडी गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी गुड सुभाषमिता, सुपर एग्जैक्टली। दीपक सर क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया था, था याद रखना 2020 के लिए। हाय वेरी गुड अलीसा, सुपर वेल डन बच्चे। विवेक एग्जैक्टली बल्लू, सुपर सुभाषमिता एम हब, वेरी गुड यस सुप्रिया, बहुत अच्छे। मुकुर्दी या मुकुर्दी पढ़ते हैं, मुकुर्ती मुकुर्ती पढ़ते हैं, मुदुमलाई अन्नामलाई गल्फ ऑफ मन्नार गुंडी सुपर, ये सारे नेशनल पार्क है गाइस। तमिलनाडु से याद रखना बिटू, याद रखना तमिलनाडु की एक एक फेस्टिवल है पोंगल और एक है जल्लीकट्टू। गाइस याद रखना जल्लीकट्टू इज द फेस्टिवल ऑफ कहां का, सो गाइस आपको याद रखना है तमिलनाडु का। बेटू एक चीज और याद रखना, ये यहाँ का फोक डांस क्या है, तो यहाँ का फोक डांस है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। सो गाइस आपको याद रखना है। ओणम विवेक, ओणम केरला का है, ओके इट्स ओके, हम लोग बोलते हैं ओके, ओके का मतलब क्या है, ओ फॉर ओणम के फॉर केरला। बेटू अपडेट याद, विवेक अपडेट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट, अब गाइस आते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। आज मनीष नहीं दिख रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गाइस, अपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। आई थिंक ये आपको पता होगा, आई थिंक यही है ना बीबी की वाइंस में, बीबी की वाइंस में यही है ना, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बहुत कम हमको याद नहीं है, बट हमने देखा है सुना है थोड़ा। या भारत तुम मिले तमिलनाडु, एग्जैक्टली ट्रिक याद रखना बेटू। मिंत्रा साइन भुवन बम एज फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर, कोई नहीं हमें पता है गलती से, बट अपडेट रखो, गलती से वहां टिक ना हो जाए क्योंकि वहां दोबारा मौका नहीं मिलेगा। याद है बीबी की वाइंस, या मिंत्रा साइन भुवन बम एज फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर। गाइस मिंत्रा ने साइन कर लिया है किसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, किसको, भुवन बम को, याद रखना। सो गाइस याद रखना, ये यूट्यूबर है, ये पता ही होगा भुवन बम, भुवन बम या अजीब नाम है थोड़ा, सुभाषमिता पांडा, कियारा आडवाणी, एग्जैक्टली सुभाषमिता वो तो है अभी, इसको भी याद रखना ठीक है। सो गाइस याद रखना मुंत्रा, बोथ मिंत्रा एंड भुवन विल मेक कंटेंट, विल गिव द ब्रांड मोर एक्नॉलेजिंग देयर इफेक्टिवली यूथ मार्केट। क्योंकि बेटू आपको पता होगा जैसे कैरी मिनाती को कौन सा बैग था उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कैरी मिनाती आपको पता होगा, आई थिंक कैरी मिनाती अभी इस समय बेबाक तरीके से बात करने के मामले में जाना जाता है। सो गाइस आई थिंक, और थोड़ा गाली गलौज भी हो जाता है उसके साथ, जो भी व्हाट एवर आई डोंट नो कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं, एक दो बारी हमने भी देखा है। सो गाइस उसके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सबको। सो जो भी है आपको याद रखना, क्योंकि इनके साथ यूथ ज्यादा है, यूथ मतलब युवा इनके साथ है, इसीलिए गाइस भुवन बम और कैरी मिनाती जैसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटू फैशन की बात है तो फैशन में यूथ ही आएगा, तो गाइस इसीलिए ऐसी बात की जा रही है, भुवन बम को बनाया गया। या आते हैं बस इतना याद रखना इसमें गाइस। एंड गाइस आते हैं बिसर अल खासावनी, खसावने ऐसे याद करना, खासावनी नहीं इट्स खसावने। बिसर अल खसावने अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ जॉर्डन, गाइस जॉर्डन के पीएम के तौर पर आए हैं कौन, बिसर अल खसावने। बेटू सेशन को लाइक कर दो, लाइक का बटन ठोक दो एक बारी गाइस, याद रखना बिसर अल खसावने अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है, तो बेटू याद करना अम्मान, आपको याद करना जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान एंड करेंसी इज दिनार, हमने बताया था लीजे बिस्कट, लीजे एल आई फॉर लिबिया जे फॉर जॉर्डन। सो गाइस याद करना बिसर अल या बिसर अल खसावने इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहां के, सो गाइस इट्स जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान एंड गाइस करेंसी इज दिनार, सो बेटू आपको याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, सो आपको याद करना उमर अल रज्जाज, उमर अल रज्जाज जिन्होंने बेटू रिजाइन किया, इन्हीं की जगह पर आए हैं कौन, बिसर अल खसावने। गाइस एग्जैक्टली दीपक भाई, अल रज्जाज ने रिजाइन किया, अल खसावने आ गए यहां पे। वेल वेरी गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हो दोस्त, क्या है, अभी बहुत लेट हो बेटू आप 36 मिनट लेट हो पूरे के पूरे, अप्रोक्स यानी कह सकते हो 35 मिनट पूरे के पूरे। गाइस आ जाओ फटाफट, कोई नहीं अब आते हैं गाइस क्या बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर आते हैं फट, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं गाइस, बैंकिंग एंड फाइनेंस।
एचडीएफसी बैंक पार्टनर्ड विद अपोलो हॉस्पिटल्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड गाइस हेड इज कौन है एचडीएफसी के हेड, अभी इसके हेड कौन है, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या मनीष बिटू, आप आया करो टाइम पर, जो सब लोग आएंगे तभी ये लोग देखेगा तभी आएगा। और दीपक सर टाइम पे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनका नाम मेरे को शायद भूल जाए हम, बट हाँ ऐसे संगम है, विवेक है, दीपक सर है, ओम है, संग्राम है, बहुत सारे, अंशिका है, अब आज प्रशंसा आनंद ये भी जुड़ गए। सो प्रशंसा मैम वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, प्रशंसा आनंद सुपर, आपका जिस हिसाब से आपका जवाब आता है, हैट्स ऑफ बच्चे आपको, वेरी गुड। शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन, गाइज आप लोग आया करो और जवाब दिया करो, वेरी गुड सुप्रिया, सुपर। सो गाइज अपोलो हॉस्पिटल के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया, इसके बारे में देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल हैव जॉइंट हैंड्स टू लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, अ होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन विच मेक्स हेल्दी लिविंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ऑन अपोलो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24x7। एग्जैक्टली दीपक सर प्रशंसा, नाम अच्छा है, वाकई में अच्छा है। या बल्लू वेरी गुड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इज द टैगलाइन ऑफ या स्लोगन ऑफ एचडीएफसी बैंक। आनंद बिहार में लगाते हैं दीपक सर, कायस लोग आनंद लगाते हैं बिहार में, दीपक सर गाइस याद रखना, एचडीएफसी कस्टमर हु विल गेट राउंड द क्लॉक एक्सेस टू इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर एट नो कॉस्ट एंड अपोलो 24x7। गाइस याद रखना, इन्होंने टाई अप किया है एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ, अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, याद रखना ये अपने कस्टमर्स के लिए है जो एचडीएफसी बैंक के हैं। या एग्जैक्टली अंशिका सरनेम होता है, हाय संजीव सर, हेलो कैसे हो संजीव सर, संजीव सर आप भी गायब रह रहे हो आजकल, या सुपर 30 वाले संगम, एग्जैक्टली। अब गाइस आते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स में, बिटू एक्विजिशन एंड मर्जर्स में आते हैं। इंफोसिस टू एक्वायर ब्लू एकॉर्न आईसीआई फॉर अप टू $125 मिलियन, यानी कि $125 मिलियन $125 मिलियन में गाइस इंफोसिस ने ब्लू एकॉर्न को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया गाइस, या ब्लू एकॉर्न को एक्वायर कर लिया किसने, इंफोसिस ने गाइस, आपको याद रखना है। आईटी सर्विस मेजर इंफोसिस सेड इट इन एपैक्ट एक्वायर ब्लू एकॉर्न आईसीआई अ डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कॉमर्स एंड एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर फॉर अप टू $125 मिलियन $125 मिलियन अप्रोक्स 915 करोड़ रुपए का, बिटू किसने ले लिया, इंफोसिस ने गाइस, इंफोसिस ने एक्वायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया किसका, ब्लू एकॉर्न का गाइस, ब्लू एकॉर्न को एक्वायर कर लिया गाइस। कोई नहीं संजीव सर, कोई नहीं भैया, आप टाइम पर रहोगे अच्छा रहेगा सब लोग, क्योंकि आप क्विज होगा गाइस, एक दिन क्विज कराएंगे, एक दिन क्विज होगा जिसमें टॉप आने वाले बंदे को अवार्ड मिलेगा अकॉर्डिंग किसके थ्रू, तो गाइस याद क्या, ये जाएगा एग्जाम पास के थ्रू, एक क्विज होगा जिसमें अवार्ड भी दिया जाएगा एग्जाम पास के थ्रू, याद रखना जो टॉप करेगा, टॉप थ्री बंदों को अवार्ड दिया जाएगा, टॉप थ्री याद रखना, या तो क्विज होगा जीए का, या तो पूरा मॉक होगा मेंस का, मेंस का मॉक होगा जो आप घर बैठे दोगे, जो आप घर बैठे दोगे, और गाइस याद रखना जिसमें 1 2 3 जो भी है तीन टॉप थ्री को अवार्ड दिया जाएगा गाइस, आप लोग कमर कस लो, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा ये, हम आपको बताएंगे इससे सारा शेड्यूल कैसे क्या करना है आपको, बेटू आपको ऐसे बूस्ट होगा, आप तैयारी कर ही रहे हो, अच्छी बात तो है। सो गाइस याद रखना, इंफोसिस ने एक्वायर कर लिया ब्लू एकॉर्न को गाइस, याद रखना ठीक है। विवेक पार्टिसिपेशन वालों को भी मिलना चाहिए, अच्छा गाइस अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स, अभी क्विज भी है इसके बाद क्विज भी है। मनोज कुमार अपॉइंटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, गाइस वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड डायरेक्टर बनाया गया कौन, मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड का क्या बनाया गया,
डायरेक्टर गाइस, मनोज कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर इश्यूड। गाइस, पर्सनल यानी कि व्यक्तिक मंत्रालय के द्वारा ये अकॉर्डिंग ये बोला गया है, किसको बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड, किसको, मनोज कुमार को। गाइस याद रखना, कुमार इज प्रेजेंटली वर्किंग एज द डायरेक्टर टेक्निकल इन द वेस्टर्न कोलफील्ड। ही हैज बीन अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ द वेस्टर्न कोलफील्ड टिल द डेथ ऑफ हिज सुपर एनुएशन January 31st, 2024। गाइस 2024-31 जनवरी तक इनको क्या बनाया गया, इसका CMD बनाया गया। गाइस चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अजिनक क्या रहाने, गाइस आपको पिक्चर याद होगा, अजिनक क्या रहाने साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हडल। गाइस हडल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कौन, अजिनक क्या रहाने। गाइस याद रखना, अजिनक क्या रहाने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका, तो हडल का। इंडियन बैट्समैन अजिनक क्या रहाने हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर ऑफ हडल अ दिल्ली बेस्ड स्पोर्ट्स टेक इवेंट स्टार्टअप। गाइस हडल एक स्टार्टअप है। वेरी गुड मॉर्निंग अंशुमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है गाइस, हडल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिनक क्या रहाने। अपार्ट फ्रॉम बींग द फेस ऑफ ब्रांड He will also be able to guide the team with strategic inputs through his wealth of experience and professional sports. Guys, याद रखना, अजिनक क्या रहाने को ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर अपॉइंट किया गया हडल का। हडल बेटू दिल्ली का एक कंपनी है, दिल्ली की एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स टेक एंड इवेंट स्टार्टअप है। कौन, तो हडल। गाइस याद रखना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिनक क्या रहाने, याद रखना। ESL या ESL के भी है अजिनक क्या रहाने। एग्जैक्टली गाइस, अब आते बेटू MCQs के ऊपर, जल्दी जल्दी बिना लेट किए हुए फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी MCQ का जवाब दो। एज अनाउंस बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस विल बी मेड अवेलेबल 24/7 फ्रॉम व्हेन। गाइस अभी आपको बता दे बेटू, जैसे NEFT 24 घंटे हो गया, सो गाइस वैसे अब RTGS बड़े अमाउंट को भी आप शेयर कर सकते हो बेटू 24/7। सो गाइस कब से ये इंप्लीमेंट हो रहा है बच्चे, जवाब तो जल्दी जल्दी। वेल डन, सुपर वेल डन गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज December 2020। सुपर मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, वेल डन गाइस। NEFT बेटू, अगर कोई पूछे व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ NEFT, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम भेजा जा सकता है, वेरी गुड निवृत्ति, सुपर बच्चे, वेरी गुड गाइस। NEFT का मिनिमम और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट बच्चे, NEFT की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बैंक में हम जब जाते हैं तो मेरे को बैंक वाला बोलता है, पाठ पढ़ा देता, ना 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 2 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते, ना ये होता ही नहीं, ये रूल है, ऐसा पाठ पढ़ाता कि जो हम लोग पढ़े होते हैं वो भी उड़ जाता है। सो गाइस देयर इज नो लिमिट बच्चे, याद रखना, बट RTGS की लिमिट है मेरे दोस्त, मिनिमम इज 2 लाख एंड गाइज मैक्सिमम इज नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट मेरे दोस्त, आपको याद रखना। पहले ये बैंक के टाइमिंग पर होता था गाइज, अब 24/7 हो जाएगा, कब से, December 2020 से। गाइज याद रखना, हेलो आशुतोष सर, नमस्कार भाई, कैसे हो मेरे दोस्त आशुतोष भाई, आप लेट हो बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइज, याद रखना, Which country's Prime Minister handed his her over power to a 16-year-old? Guys, याद रखना, 16 साल की एक लड़की को, a part of a campaign to promote girls' right in the country, महिलाओं के अधिकार को प्रमोट करने के लिए किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन के लिए, गाइज एक दिन के लिए अपने पावर को हैंडेड ओवर, यानी कि पावर को दे दिया एक 16 साल की लड़की को। गाइज कितनी बड़ी बात है, पावर दे दिया अपना एक दिन के लिए, पोलैंड, इजिप्ट, नॉर्वे या फिनलैंड। और गाइस आपको बता दें, उस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर भी महिला है, यानी कि फीमेल है, याद रखना, जो 16 साल की लड़की को पावर दे दिया गया। वेल डन गाइस, सुपर नायक मूवी मनीष, एग्जैक्टली गाइस याद रखना, इट्स कैपिटल इज हेलसिंकी,
अब आप जिनको नहीं पता वो क्लू लगा है, हेलसिंकी एंड करेंसी इज यूरो। अभी तो यही की है नोकिया, नोकिया ब्रांड यही की है, नोकिया यही की है। और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सना मरीन गाइज, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सना मरीन गाइज, केवल केवल 34 साल के प्राइम मिनिस्टर है संजीव सर, एग्जैक्टली। और गाइज इट्स करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। बेटू याद करो नोकिया यही की कंपनी है, कैपिटल इज हेलसिंकी एंड करेंसी इज यूरो। गाइज याद रखना नारी सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए उस 16 साल की बच्ची को अधिकार दे दिया गया गाइज, एक दिन का, बहुत बड़ी बात है। और गाइज पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है कौन सा, सो गाइज याद रखना कौन सी है, वो है फिनलैंड बेटू, जिसने 4 दिन वर्किंग कर रखा है, मंडे टू फ्राइडे गाइज, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सॉरी 5 दिन, नॉट 4 डेज, 5 डेज, 5 डेज वर्किंग कर रखा है, नहीं 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 4 डेज ही आई थिंक, फ्राइडे तक नहीं है, आई थिंक 4 डेज है बेटू, फ्राइडे नहीं थर्सडे तक है, थर्सडे तक है, थर्सडे तक, नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ना 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 4 डेज ही है सुफर या दीपक सर, 4 डेज ओनली, एग्जैक्टली मंडे टू थर्सडे, एग्जैक्टली, हम कंफ्यूज हो गए थे बेटू, सॉरी हम कंफ्यूज हो गए थे। गाइस जवाब दो, फर्स्ट हर घर जल स्टेट, वेरी गुड सुपर। वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज गोवा। काजू फेनी, फेनी याद रखना, हर्मल चिली, मोयरा बनाना याद रखना, सलीम अली भट्ट वाला, डाबोलिम वाले, महावीर वाले, एग्जैक्टली संगू, वेरी वेरी गुड सुपर 100%, वेरी गुड प्रमो मनीष, प्रमोद सावंत इज द सीएम, गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी, बहुत अच्छे मनीष भाई, बहुत अच्छे। गाइस सेशन को लाइक कर दो बच्चे, फटाफट सेशन को ठोक दो लाइक का बटन। गाइस हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल प्रेजेंस। गाइस ये आपको पता होना चाहिए, 100% जवाब आना चाहिए बेटू। वेरी गुड सुपर, बहुत अच्छे। इट्स करेक्ट आंसर इज भुवन बम, बीबी की वाइंस, ऐसे याद रखना, बीबी, आई थिंक बीबी की वाइंस को अवार्ड भी दिया गया था कुछ, तो गाइस याद रखना भुवन बम। अच्छा पैसा आने के बाद सब बदल ही जाते, नहीं पहले कैसे लगता था, अब कैसे लगने लगा। हु इज चूजन टू प्रमोट द इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म दैट वॉज लॉन्च रिसेंटली। Who is chosen to promote the India's first ever home ground professional badminton brand Transform that was launched recently? जवाब दो, लक्ष्य सेन, सुमित रेड्डी, समीर वर्मा या चेतन आनंद। So guys, its correct answer is चेतन आनंद, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है दीपक सर, एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ में मेडल पा चुके हैं ये, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है। सुपर, वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस नोडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ विच स्टेट हैज पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब एएम हब इन द स्टेट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गोवा, वेरी वेरी गुड सुपर, एएम हब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, या इट्स करेक्ट आंसर इज गाइस तमिलनाडु बेटू, वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, वेरी गुड निवृत्ति, बहुत अच्छे बेटा, सुपर्ब निमेश, राकेश सर बहुत अच्छे, सुपर्ब विवेक, सुप्रिया, संजीव भाई बहुत अच्छे, वेल डन गाइस, सुपर्ब दीपक सर।
लोन में टॉप स्टेट भी है. एग्जैक्टली मनीष, वेरी गुड, सुपर्ब. निमेश, या निमेश तमिलनाडु. एग्जैक्टली. विच स्टेट लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम स्कीम इन अ बिड टू एम्पावर द इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड वुमेन ऑफ द स्टेट. गाइस, असम, गोवा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल. Which state has launched Swanirbhar Nari? Swanirbhar Nari. Well, well, well done. Superb. बहुत अच्छे. Its correct answer is Assam. बेटू यही आता है. या असम. या असम है ये actually. Which state government launched मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना for self employment by solar energy farming? बेटू सोलर एनर्जी फार्मिंग मतलब आप प्लांट लगाओगे अपने खेत में, अपने छत पर या अपने खाली बंजर जमीन पर, और उस क्या करोगे, उसको आप बिजली क्या करोगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट को बेच दोगे और उत्तराखंड गवर्नमेंट उसका पैसा देगा आपको. ठीक है, यूके गवर्नमेंट आपको क्या देगा, पैसा देगा. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड. इट्स करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. वेरी गुड विवेक, सुपर्ब, वेल डन. बहुत अच्छे बच्चे, सुपर्ब. करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. बेटू उत्तराखंड से याद रखना, राजा जी ने जिम किया, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को गंगोत्री में फ्लावर लेके प्रपोज करने चल दिए. सारे नेशनल पार्क बेटू कहां के हैं, उत्तराखंड के, ऐसे याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट, बिसर अल खसावनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. बिसर अल खसावनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. गाइस जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो बेटू, फटाफट जल्दी जल्दी, या प्रपोज करने चल दिए. जवाब दो, जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो. सुपर, वेरी वेरी गुड, सब के आंसर करेक्ट आ रहा है. सुपर, हैट्स ऑफ गाइस, सुपर. सौरभ सिंह, जॉर्डन. सौरभ एग्जैक्टली मेरे दोस्त, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज जॉर्डन. जॉर्डन की कैपिटल इज अम्मान, करेंसी इज दिनार. वेरी गुड गाइस, सुपर्ब. हमने बताया था ना, लीजिए बिस्कट, लीजिए बिस्कट. लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया. वेल डन गाइस, सुपर्ब. सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही था, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा. बिट्टू आप सभी सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी, फटाफट, बिना लेट किए हुए. और गाइस आज रात का 9 बजे वाला जो सेशन है वो होगा करेंट ऑफ द वीक. करंट ऑफ द वीक बेटू, करंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग. कल आ होगा, टुमारो 9 PM का सेशन होगा, वो होगा बैंकिंग अवेयरनेस. बैंकिंग अवेयरनेस होगा कल वाला, ठीक है. और आज का टुडे सेशन, यानी आज का जो सेशन होगा वो होगा करंट ऑफ द वीक. सो गाइस आप सुबह डेली सुबह 8:30 बजे पर अवेलेबल रहो डेली के डेली, और गाइस रात में 9 बजे. बेटू दो सेशन के लिए आप आओ, और गाइस मजा आएगा पक्का, और जी आपके जवान पर कंठस्थ होगा, ये गारंटी है बेटू, पक्का. और बेटू प्लीज आप सभी क्विज, जो क्विज होता है, जो उसके विनर है, प्लीज पिक मेरे को शेयर कर दो, और पिक वो शेयर करो जो ढंग की हो. ये नहीं कि आपने कहीं कहीं पोज दिया हुआ है, कहीं ऐसे किया हुआ है, कहीं ऐसे किया हुआ है, वो पिक नहीं चलेगी यार. नॉर्मल पिक है, ठीक है, नॉर्मल सी पिक है, आप शेयर कर दो यार, नॉर्मल से पिक हो. उस दिन के लिए सुप्रिया के लिए, सुप्रिया को सॉरी कि भाई उस दिन उनका पिक नहीं लगा पाया. सुप्रिया मैम ने शेयर किया था, लेकिन हमने बोर्ड पर उस दिन सुप्रिया का पिक्चर लगा दिया था. तो सुप्रिया आपको आपके रियल पिक्चर ना लगाने के लिए बेटू सॉरी. हाँ, अब बाकी के लोग पिक शेयर करो ताकि आपका पिक लगा सके गाइस, और टाइम टू टाइम सेंड कर दिया करो, ठीक है. सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही. अंशिका नहीं, पाउट वाउट वाली कुछ नहीं चलेगी. ओके ओके ओम, पक्का पक्का, चलो ठीक है, ओके. थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, आप सभी अपना